अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार ये देखो, आज मैं अपने सोच रहा था कि अपनी मुर्गियों की जो है वीडियो बनाऊं, उनके लिए पानी डाल रहा हूँ मैं, साफ पानी बदलना चाहिए इनके लिए। मैं सोच रहा था आपके लिए वीडियो बनाऊं और अपनी मुर्गियों की अपडेट दे दूं आपको। ये देखें, इसने अंडे दिए हुए थे। ये वाली मुर्गी जो है अंडे दे रही है, लाल वाली, और नीचे भी मुर्गियाँ हैं काफ़ी। ये वाइट वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको। निकलो निकलो निकलो, ये देखो लाल वाली मुर्गी है मेरी, ये माशाल्लाह वाइट वाली है, और ये वाइट हीरा मुर्गा है। अभी इस पर हैं कोई भाई 1 2 3 4 5 6 मुर्गियाँ हैं और एक मुर्गा है। ये देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह कितनी सारी मुर्गियाँ हैं, और एक मुर्गी जो है वो इधर बैठी हुई है, उड़ा गई है। ये अंडों में अंडे दे दिए हैं, मगर मैं अंडों पे नहीं बिठाऊंगा, वो इस वजह से मैं नहीं बिठाऊंगा अंडों पर, क्योंकि ये है अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी आज के दिन कोई 48 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसमें जो है मुर्गियों को अंडों पर बिठाना समझ लो मारने वाली बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं सोच रहा था यार, यहाँ पे काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, और ये गंद हटवा के यहाँ पे पिंजरे रखूँ, भी थोड़ा मौसम सही हो जाए, फिर इंशाल्लाह इधर कमरे में जो है ना काफ़ी चेंजिंग आएगी। ऊपर ये देखो कचरा पड़ा हुआ है, ये तगारी होता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, थोड़ा यह उसका भी ये फिटिंग भी करवानी है। और देखो आप, जगह तो अच्छी है, कमरा है, मगर यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी मिलाने का सोच रहा हूँ। पिंजरे पहले मैं बनाऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें जो हैं वो लाऊँगा। ये देखो माशाल्लाह, ये जो लाल वाली आपको मुर्गी नज़र आ रही है ना भाई, वो ये वाली, ये मोटी की जो है बड़ी, इसने जो है 10 बच्चे निकाले थे, वो बच्चे नीचे हैं, उसका मैं शॉर्ट डालूँगा, वो आप देखना इसके बच्चे हैं। और ये जो ये दूसरी जो काली है, ये वाली, वो ये वाली, इसने भी कोई 15 बच्चे निकाले थे। और जो यहाँ पे बैठी है ना, ये सबसे अच्छी मुर्गी है मेरी, सबसे अच्छी, इसने निकाले थे 17 बच्चे। मगर अब गर्मी है काफ़ी, काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से बच्चे बचे नहीं, और गर्मी की वजह से काफ़ी बच्चे मरे हैं, मगर कुछ बच्चे काफ़ी बचे हुए भी हैं। टोटल जो है मेरे ख्याल से 48 या 49 ने कोई मुर्गियों के बच्चे निकले थे, और उनमें से बचे हैं सिर्फ कोई 17-18, तो ये नुकसान हो गया है। चलो अल्लाह खैर करेगा, तीन मुर्गियाँ हैं, ये देसी मुर्गियाँ हैं, देखें आप, बिल्कुल असील मुर्गियाँ हैं। ये मुर्गा भी बिल्कुल असील है, ये देखो, ये मुर्गा मैंने कराची से मंगवाया था, कभी छोटा था। ये वाइट मुर्गी जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, देख सकते हैं आप, वाइट मुर्गी जो है बहुत मुझे पसंद है, प्यारी मुर्गी है ये बहुत, मगर ये सबको मार रही है आजकल यार, इसको अलग करना पड़ेगा शायद, इसको अलग करके फिर जो है वो करेंगे। और मैं आपको दिखाऊं, दो मुर्गियां और भी हैं हमारी, बाहर हैं, मगर वो तो उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, देखो बाहर कितनी धूप है, वो इसके अंदर हैं, ये देखें, ओ ये रही, यहाँ पे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। ये भी दोनों प्यारी मुर्गियाँ हैं बड़ी, इन्होंने भी, ये इन्होंने भी बच्चे नहीं निकाले, ये अंडे दे रही हैं, कितनी प्यारी हैं देखो माशाल्लाह।
चले अपने उसे वाले पिंजरे की तरफ। ऑडियो की तरफ चलो दोबारा। चलो अल्लाह हाफिज़ यार, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। एक और आपको एक अब थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। यहाँ पर जो है वो मुर्गियाँ चटाई पर अंडे देती थी, और एक मुर्गी की जगह ये है अंडे देने की तसले में, और एक जो है मुर्गी की अंडों की जगह है ये टायर के पास, पेटियों के पास। इधर भी मुर्गी अंडा देती थी, ये वाइट वाली, और वो ब्लैक वाली जो है वो उसके नीचे अंडे देती थी। तो ऐसे ही आपको मैं वीडियो मिलती रहेगी, शॉर्ट्स आते रहेंगे। यार मैं सोचा शॉर्ट नहीं डाल रहा, थोड़े कुछ काम मसरूफ थे, सोचा शॉर्ट नहीं आ रहे थे। लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।